हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमर मोटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं होंडई i20 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनर, CNG ऑन पेपर। बात करें गाड़ी की, सो दोस्तों एक बार आप लुक देख सकते हैं, वाइट कलर में गाड़ी है, जिसकी रूफ है जो क्लाइंट ने ब्लैक कलर में कराई हुई है। मैं ओवरऑल लुक एक बार आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का। 15 इंची हमें टायर मिल जाते हैं, साथ के साथ जो आगे के दोनों ब्रेकिंग सिस्टम हैं वो डिस्क ब्रेक आगे के मिलेंगे, और जो रियर वाले हैं वो ड्रम में मिलेंगे। गाड़ी की कंडीशन मिंट कंडीशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं। DL रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, साइड प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दोस्तों अभी बात करते हैं गाड़ी के रिगार्डिंग। सो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बात करते हैं गाड़ी की। सो दोस्तों आगे से आप देख पा रहे होंगे, हॉरिजेंटल इस गाड़ी में हॉरिजेंटली हमें हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। डीप फोगर वगैरह हमें इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2017 मॉडल है एंड ये फर्स्ट ओनर है। क्रोम ग्रिल हमें यहाँ पे चारों तरफ क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, क्रोम में ही होंडा की बैजिंग है। साइड की बात करें, हमें फेंडर पे ही इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। साइड मिरर्स ब्लैक एंड वाइट फिनिश में है, इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं, इंडिकेटर यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। वाइट कलर में ही हैंडल देखने को मिलेंगे, और यहीं पे पेट्रोल लीड 40 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें मिल जाएगा। कैप लगाई गई है, ये अलॉय व्हील में ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें बैक रियर साइड से, तो इसमें चार पार्किंग सेंसर हमें देखने को मिल जाते हैं, साथ के साथ रिवर्स कैमरा भी हमें यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। टेल लैंप आप देख सकते हैं, साथ के साथ ऊपर भी टेल लैंप दी है, और शार्क फिन एंटीना हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक रैपिंग कराई गई है, अंदर तो वाइट ही कलर है। एक बार आप देख लीजिए बैक रिव्यू। अभी हम अंदर से इंटीरियर और आपको क्लियर करा देते हैं, इंटीरियर दिखा देते हैं। ये ड्राइवर साइड व्यू, गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, गाड़ी एकदम बिल्कुल मिंट कंडीशन एंड क्लियर है। ये इसकी चाबी है, लॉक अनलॉक एंड अपना बूट स्पेस हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। चलो गाड़ी के अंदर अब चलते हैं एक बार। सो दोस्तों ये गाड़ी हमें चारों पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं, साथ के साथ यहीं से हम चाइल्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर पीछे बच्चे वगैरह बैठे हैं तो हम यहीं से चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। वन लीटर बोतल कैपेसिटी या फिर कुछ यहाँ पे छोटा मोटा सामान हम रख सकते हैं। ट्विटर हमें यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, साथ के साथ हमें स्पीकर भी आगे मिल जाता है। ओवरऑल एक बार आप अंदर से देख लीजिएगा, मैं व्यू दिखा देता हूँ कंप्लीट गाड़ी का। बकेट सीट अच्छी खासी है, ये मीटर क्लस्टर आप देख सकते हैं, ट्रिप वगैरह पेट्रोल वगैरह स्पीड वगैरह यहीं पे कितनी ट्रिप हुई आप यहीं पे सब एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ स्टेयरिंग पे ही हमें वॉल्यूम अप डाउन एंड फोन कट ट्रिप वगैरह ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहीं से हम अपने साइड के मिरर्स को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं।
जो कंपनी से इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम आता है वही एच डी है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 गियर्स में गाड़ी अवेलेबल है। एसी वेंट यहीं पे हमें नीचे की तरफ ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, और यहीं पे यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, और जो सीएनजी का है मीटर ये यहाँ पे दिया गया है, यहीं से हम सीएनजी प्लस पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हैं गाड़ी को। साथ के साथ आर्म रेस्ट भी इसमें दिया गया है दोस्तों, ये आफ्टर मार्केट है। अगर बात करें लाइटिंग की तो वन टच लाइटिंग दी गई है, वैसे ये काम नहीं कर रही है तो आपको यहाँ से मैनुअल इनको एडजस्ट करना होगा। साथ के साथ ये आप यहाँ पे कोई स्पेक्स वगैरह या छोटा सा आप सामान रख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह। वैनिटी की बात करते हैं, मिरर दिया गया है, एयरबैग की बैजिंग दी गई है दोनों दोनों साइड। अगर बात करें डैश डैश की तो अच्छा खासा प्रीमियम सा डैश दिया गया है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में ही। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा ठीक ठाक ही दिया गया है। चारों पावर विंडो हमें गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। साथ के साथ यहाँ पर भी हमें लाइट दी गई है आगे की तरफ, और एक सेंटर में भी हमें लाइट देखने को मिल जाती है। हैंडल वही मैनुअल दिए गए हैं। अभी बात करते हैं बूट स्पेस की, सो मैं आपको एक बार पीछे से बूट स्पेस वगैरह भी शो करा देता हूँ। तो दोस्तों बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, अगर आप देख पा रहे होंगे ये बटन आप प्रेस करोगे तो हमारी ये बूट स्पेस हम एक्सेस कर सकते हैं। वही 14 किलो का सिलेंडर हमें यहाँ पे देखने को, सीएनजी सिलेंडर देखने को मिल जाता है। साथ के साथ छोटा छोटा यहाँ पे हम लगेज वगैरह रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस तो नहीं है बट फिर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ बैग वगैरह होंगे। पार्सल ट्रे हमें इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। अभी बात करते हैं इंजन की, इंजन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों i20 हुंडई i20 में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। जो सीएनजी है ये आफ्टर मार्केट है, सीएनजी की फिलिंग यहाँ से हमें देखने को मिलती है, ये हुड ओपन करके सीएनजी की फिलिंग करानी मिलेगी। सो ओवरऑल एक बार देख लीजिए, ओवरऑल देख लीजिए दोस्तों गाड़ी को। सो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। हुंडई i20 पेट्रोल प्लस सीएनजी 2017 फर्स्ट ओनर, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इसका 5 लाख रुपए है। डिस्क्रिप्शन में मैं ओनर के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप डायरेक्ट बात करके गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको गाड़ियाँ कैसी, हमारी गाड़ी पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।